Big shot, big fix for Zaman. He's gone in that direction. Good shot. इंतजार की घड़ियां खत्म. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का बड़ा मार्का. पाकिस्तान और भारत आज मैनचेस्टर के मैदान में आमने सामने होंगे. एक तरफ आमिर हसन वहाब और शादाब विकेट उड़ाने के लिए बेताब, जबकि दूसरी जानब बुमराह, यादव, जादेजा और भोवी भी विकेट लेने के लिए रेडी हैं. बैटिंग में फखर, इमाम, हफीज और कप्तान सरफराज चौके छक्कों के लिए तैयार. दूसरी जानब कोहली, धोनी, राहुल और पांड्या को बड़ी इनिंग्स खेलने का इंतजार है. Is there an inside edge? Australia are convinced. Australia have their fifth. Brilliant catch. कोई खेले ना खेले, शुएब मलिक तो आज खेलेगा. कोच मिकी आर्थर ने साबिक कप्तान की 11 में जगह पक्की कर ली. कहा शुएब मलिक के पास आज अच्छा मौका है, उम्मीद है उनकी सलाहियतें पाकिस्तान के काम आएंगी. अगर बारिश न हो, हम पूरी उम्मीद करते हैं टीम इंडिया ये सातवीं जीत दर्ज करेगी. और एक और बात बोलूं, जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा. पाक भारत जागरा मैनचेस्टर देसी रंग में रंग गया. क्रिकेट के दीवाने अपनी टीम की जीत और दूसरे की हार के लिए बेकरार. चाचा क्रिकेट को वर्ल्ड कप की तारीख बदलने का यकीन है. सरफराज 11, आपने हिंदुस्तान के खिलाफ डट के खेलना है, डरना नहीं है. और जो फेमस डायलॉग हमारे प्राइम मिनिस्टर का है कि घबराना नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की क्यादत में जीता और आज का मैच इसकी सरबराही में पाकिस्तानी टीम जीतेगी. वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम आज भारत से हर सूरत मैच जीतेगी. वजीर आजम उन्हें मशवरा ना दें. टीम अच्छा खेले और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम में कैपेबिलिटी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी और इंडिया को शिकस्त देगी. पाकिस्तान का जैसे आप जानते हैं कि बहुत अहम मैच है भारत और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान. पूरी कौम अपनी टीम के साथ है, उनकी कामयाबी की दुआ कर रही है और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि वहां जाऊं और अपनी टीम की हौसला अफजाई भी करूं. पाक भारत टाकरा. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी टीम की फतह के लिए दुआगो. कहा ख्वाहिश है ग्राउंड में जाकर मैच देखूं और कौमी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करूं. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला मैच सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि क्रिकेट प्लस है. सो मैं पाकिस्तानी टीम से कहूंगा कि जोश, वलवले, हिम्मत, बहादुरी, दिलेरी, जवां मर्दी के साथ मैदान में उतरे, जो कि पाकिस्तान कौम की शान है. इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और सारी पाकिस्तान की कौम की दुआएं आपके साथ हैं और हम दुआगो हैं कि अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला मैच सिर्फ क्रिकेट का मैच ही नहीं बल्कि क्रिकेट प्लस है. शाहीन जोश, वलवले, हिम्मत, बहादुरी और दलेरी से रिवायती हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरे. रेलवे के विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का कौमी खिलाड़ियों को मशवरा. इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी. अली जफर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने मैनचेस्टर पहुंच गए. 24 सितारे भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरउम्मीद. नेक तमन्नाओं का इजहार. कहा भारत से मुकाबले में जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी. सुपर से ऊपर दे घुमा के तुम ऊपर, शेर बन के तू छा जा ग्राउंड में एक
हो कर छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, उड़ा के किल्ली जीत लोगे तुम। बढ़ना है रुकना नहीं यार, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह सब लोग मिलकर रोशन करें। 4,000 अरब रुपए के कर्ज कहां खर्च हुए, तहकीकात के लिए जल्द कमीशन कायम किया जाएगा। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, कहा मुल्की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, कठिन रास्ता तय कर लिया। आवाम को गुरबत की लकीर से ऊपर लाना तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीह करार। मुसीबतें पड़ी तो कुर्बतें बढ़ गईं। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो को फोन पर जाती उम्र आने की दावत, पीपी चेयरमैन ने मरियम नवाज की दावत कबूल कर ली। आज दोपहर 1:30 बजे रावण में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होगी। जाली अकाउंट्स केस में कराची से गिरफ्तार मुलजिमान को राहदारी रिमांड के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने वाले मुलजिमान में ओमनी ग्रुप के सरबरा अब्दुल गनी मजीद का बेटा जुलकरनैन, अनवर मजीद का करीबी अजीज ख्वाजा सलमान, ओमनी ग्रुप का अफसर अब्दुल वहीद भी शामिल हैं। जाली अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत का फरियाल तालपुर को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने वकला को फरियाल तालपुर पर रिमांड के दौरान मुलाकात की इजाजत दे दी। वकला की जानिब से आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत उज़्मा की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 350 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा होने की तर्दीद। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 2 सदारती रेफरेंसेस समेत 28 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। 350 रेफरेंसेस के आदादोशुमार गलत, बेबुनियाद और हकायक पर मबनी नहीं है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को 426 शिकायात और रेफरेंसेस मौसूल हुए। कानून के मुताबिक 398 रेफरेंसेस और शिकायत को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 17 से 21 जून की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। अदालत उस्मा में 4 बेंच तश्कील दिए गए। कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी को नोटिसेस जारी कर दिए। तीनों सियासी जमातों को 20 जून को स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। नारोवाल के करीब 2 मुसाफिर वैंस में टक्कर, 5 अफराद जाम भाग, 17 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद एक वैन का सिलेंडर फटने से आग लग गई। JF-17 थंडर पेरिस एयर शो के मद्दाहों पर सहर तारी करने को तैयार, रिहर्सल शुरू। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर शो पेरिस में कल से 23 जून तक होगा। शो में JF-17 थंडर की शिरकत बहुत अहमियत की हामिल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वह खित्ते में जंग नहीं चाहते, ताहम मुल्की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम मफादात को लाहक खतरात से निपटने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। शहजादा मोहम्मद ने भी खलीज उमान में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमलों का इल्जाम ईरान पर लगा दिया। कहा ईरान ने तेहरान आने जापानी वजीर आजम का भी एहतराम नहीं किया और सिफारती कोशिशों का जवाब ऑयल टैंकर्स पर हमलों की सूरत में दिया जिनमें एक जापानी था।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے میئر لندن صادق خان پر تنقید، کہا صادق خان کو جتنی جلدی ممکن ہو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، صادق خان ایک آفت ہیں، ان کی موجودگی میں لندن بدتر ہو جائے گا، لندن میں 24 گھنٹوں میں 3 افراد کی ہلاکت کی خبر پر بیان۔ کراچی میں آج شام سے گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ساہیوال، بہاولپور، ملتان اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان ہے، ملک کے باقی علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 87 رن سے شکست دے دی، آسٹریلیا نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں پر 334 رن بنائے، ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 45.5 اوورز میں 247 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 9 وکٹوں سے ہرا کر پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ اور آج والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، فادرز ڈے پر گوگل کا ڈوڈل بھی بدل گیا۔